नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर में पुजारी रूपी शिक्षक शिक्षा के स्तर को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कहते हैं देश का भविष्य एक शिक्षक तय करता है, उसके द्वारा ही दी जाने वाली शिक्षा से बच्चों की नींव मजबूत होती है और देश के बेहतर भविष्य के लिए काम करती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर शिक्षक ही बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे छोड़ दे तो क्या होगा? उन बच्चों का भविष्य बर्बाद होना तय है। कुछ इसी तरह जैसी नगर BRC से महज कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोहा स्कूल का है, जहाँ 1 से 5 कक्षा तक के बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल में ताला डला रहता है, कभी कभी स्कूल खोला जाता है। स्कूल में पढ़ाने शिक्षक पवन जैन और लखन सिंह ठाकुर मनमर्जी से स्कूल पहुंचते हैं। महीने में कभी कभी ही पवन जैन के दर्शन विद्यार्थियों को नसीब होते हैं। सरकारी शिक्षक को होते हुए जैसी नगर बाजार में उन्होंने अपने कपड़े की दुकान खोल रखी है और दिन भर वहीं रहते हैं। स्कूल जाना तो उनका साइड बिजनेस है। ग्रामीणों का कहना है कि पवन जैन स्कूल कभी कभी आते हैं और उन्होंने एक लड़का भी रखा था अपनी जगह पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब वो भी नहीं आता है। आगे हैं ये पवन माँ साहब जयशनगर के, लखन माँ साहब हैं बंजर के। आगे ये स्कूल आते हैं? नहीं आते सर, कभी नहीं आते। नहीं, वो महीना में 4 दिन या 2 दिन आते। आज भी स्कूल बंद है, ताला लगा हुआ है? ताला लगा है सर आज तो। इनके ऐसे रोज नहीं आते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या है सर, हो हफ्ता में को 2 दिन आ जाए, कभी 1 दिन आ जाए। लखनवा साहब मनो 1 महीना में को 15 दिन आते हैं और 20 दिन भी आते हैं। और पवन जैन जी? पवन जैन जी को 1 महीना में 2 दिन आते हैं और कभी कई दिन नहीं आवे। एक विश्वकर्मा को लड़का 1200 के महीना से रखे थे सर, उसके लाने उसमें आने में खर्चा में पानी में कमी रही, इसलिए उसने भी बंद कर दिया। पहले एक विश्वकर्मा को लड़का आता था। कौन टीचर रखे हैं विश्वकर्मा लड़के को? उसका नाम का नाम नहीं नहीं यूँ लड़का तो पर उसका नाम नहीं जानते हैं। बताया कि बंद मिली है, मैं अभी कल परसों 2 दिन की छुट्टी है, सोमवार को वहां जा करके उसकी जांच करूंगा और जो शिक्षक नहीं मिलेंगे या पिछले दोनों में नहीं मिले उनके ऊपर कार्रवाई करूँगी। बताया जा रहा है कि वहाँ पवन जैन जी काफ़ी दिनों से पदस्थ हैं, गाँव वालों का कहना है कि वो एक भी दिन स्कूल नहीं आते हैं। अभी तक तो हमें जन शिक्षकों के द्वारा जो सूचना मिली कि वो जाते रहे हैं और यदि नहीं जा रहे हैं तो गांव वालों से पूछ करके उन पर भी कार्रवाई करा। ये आपने कभी पहले निरीक्षण किया है जैसे स्कूलों का इनका? हाँ, हम कभी कभार जाते हैं माना स्कूल में तो उस समय वो वहाँ पर उपस्थित नहीं। अच्छा, तो गांव वाले तो बोल रहे थे कि आते नहीं है, कभी कभी स्कूल खुलता है, महीने में 2-4 दिन स्कूल खुल जाता है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अगर अपन जाते हैं किसी को पता चल गया कि निरीक्षण में सर आ रहे हैं उस समय पहुँच जाते हो या स्कूल बंद रहती है, ताला डला हुआ है। इसकी अपन पूरी जांच करेंगे पूरे प्रकरण की और जांच करके जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। जी, थैंक यू। जयसी नगर से गुलाब कोरी की रिपोर्ट।